प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी के दौरे पर थे, अपने संसदीय क्षेत्र को कई सौगातें दी और साथ ही पीएम मोदी ने कोविड की दूसरी लहर में प्रदेश को संभालने के लिए सीएम की पीठ भी थपथपाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर थे। काशी के विकास जुड़े 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का आज उन्होंने शिलान्यास और लोकार्पण किया। अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि काशी ने दिखा दिया कि वो रुकती नहीं है। बीते कुछ महीने हम सभी के लिए बेहद मुश्किल भरे रहे, लेकिन काशी लगातार आगे बढ़ती रही। काशी के विकास से जुड़े 1500 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण करने का अवसर मुझे मिला। बनारस के विकास के लिए जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ महादेव के आशीर्वाद और बनारस की जनता के प्रयास से ही जारी है। मुश्किल समय में भी काशी ने दिखा दिया है कि वो रुकती नहीं है, वो थकती नहीं है। बहनों और भाइयों, बीते कुछ महीने हम सभी के लिए, पूरी मानव जात के लिए बहुत मुश्किल भरे रहे। पीएम मोदी ने कोरोना काल के दौरान योगी सरकार के प्रयासों की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर को यूपी ने बेहद अच्छे तरीके से संभाला। कोरोना वायरस के बदलते हुए और खतरनाक रूप ने पूरी ताकत के साथ हमला किया था, लेकिन काशी सहित यूपी ने पूरे सामर्थ्य के साथ इतने बड़े संकट का मुकाबला किया। देश का सबसे बड़ा प्रदेश जिसकी आबादी दुनिया के दर्जनों बड़े बड़े देशों से भी ज्यादा हो, वहां कोरोना की दूसरी वेव को जिस तरह यूपी ने संभाला, सेकंड वेव के दौरान यूपी ने जिस तरह कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका, वो अभूतपूर्व है। जनता को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है। कुछ साल पहले तक जिस यूपी में व्यापार कारोबार करना मुश्किल था, आज मेक इन इंडिया के लिए यूपी पसंदीदा जगह बन गया है। उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है। कुछ साल पहले तक जिस यूपी में व्यापार कारोबार करना मुश्किल माना जाता था, आज मेक इन इंडिया के लिए यूपी पसंदीदा जगह बन रहा है। पीएम ने कहा कि आज यूपी में कानून का राज है। माफिया राज और आतंकवाद जो कभी बेकाबू थे, उन पर अब कानून का शिकंजा है। आज यूपी में कानून का राज है, माफिया राज और आतंकवाद जो कभी बेकाबू हो रहे थे, उन पर अब कानून का शिकंजा है। बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर मां बाप हमेशा जिस तरह डर और आशंकाओं में जीते थे, वो स्थिति भी बदली है। आज बहन बेटियों पर आंख उठाने वाले अपराधियों को पता है कि वो कानून से बच नहीं पाएंगे।
यूपी में अगले साल चुनाव होने हैं। सियासी हलचल और तैयारियों के बीच ऐसी सौगातें बरसना लाजमी भी है। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज़।